अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग आफ्टर अ ब्रेक। मैंने यूट्यूब से कुछ दिन के लिए मैंने ब्रेक लिया है फॉर 2 वीक्स, आई गेस 15 दिन हो चुके हैं। अब जो है मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। मुझे जो है ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कुछ ज़्यादा मेरे लिए प्रेशर था मेरे रूटीन के हिसाब से। मैंने सोचा था थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, पर कुछ दिन गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना आई फील कि मैं जिन्हें ना आई एम मिसिंग माई यू नो वो लोग जो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, तो मैं जो है ना उनको बहुत मिस कर रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था नहीं, फ़िलहाल जो है ना मुझे अपने आप को स्टिल ब्रेक देना है, और जब तक जो है ना मेरे दिल से जो है ना एक चीज़ होती है ना दिल से करने के लिए कहती है, तो जब वो फीलिंग आएगी ना उसके बाद मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। जब मेरे ब्रेक ख़त्म हो गई थी, मैं सोच रही थी अब मैं वापस कैसे आऊँ, मैं कैसे आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि जो पहले होता था ना रोज़ वाली बातें आप लोगों को बताता कि मैं करती क्या हूँ, मेरी रूटीन कैसी है, और जो क्या कहते हैं बातें जो होती ना वो सिर्फ कंटिन्यू होती है। अब जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि मैंने न्यू चैनल बनाया है, न्यू बातें कर रही हूँ। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैंने सोचा था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मेरा कौन सा डायलॉग था जो मैं स्टार्ट करती हूँ। यू नो एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि काफ़ी ब्रेक के बाद जब यू नो एक काम दोबारा करो ना, तो आपको पहले सोचना होता था कि कौन सी चीज़ मैं करती थी और अब जो है ना मुझे क्या करना है। तो बस इस तरह का सीन अभी मेरे साथ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन पे आ जाऊँ और मेरी रूटीन वाली डायलॉग्स और रूटीन वाली व्लॉग्स बना लूँ। एनीवे, तो बस अब ब्रेक के बाद मैं आ गई हूँ और इंशाल्लाह स्टे ही करूँगी क्योंकि नहीं पता होता कि कल क्या होता है, यू नो हेल्थ के साथ और लाइफ के साथ क्या होता है, तो बस उस हिसाब से हम व्लॉगिंग करते हैं। सो मेरे भी व्लॉग उस हिसाब से चलते हैं, जब रूटीन नॉर्मल सही होती है तो सही होता है, वरना यू नो अपसाइड डाउन होता है ना, तो फिर व्लॉग भी अपसाइड डाउन ही होते हैं। एनीवे, तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था सुबह के टाइम पे। और हाँ, बाय द वे थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने फ़ोन करके और SMS करके पूछा था कि मैं व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, क्यों छोड़ दिया है और मैं आजकल क्यों अपलोड नहीं कर रही हूँ, मेरी तबीयत सही है या नहीं। थैंक यू वेरी मच उन लोगों का जिन्होंने तबीयत पूछी है, क्योंकि दे वेयर वर्ड, उन लोगों ने कहा था कि दे वेयर वर्ड कि मैं शायद मेरी तबीयत सही नहीं है इस तरह का कुछ, पर अलहमदिल्ला मैं ठीक थी। पर मुझे थोड़ा सा यू नो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर मुझे फील हो रहा था, मुझे जो है ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था जब मैं यू नो व्लॉगिंग करती हूँ उसके बाद यू नो अपलोड करना थोड़ा सा यू नो टाइम ज़्यादा ले रहा था मुझसे। एनीवे, उन लोगों के लिए थैंक यू वेरी मच जो वर्ल्ड हो रही थी मेरे लिए। एनीवे, सो यहाँ जो है मैं अपना व्लॉग सुबह के टाइम पे स्टार्ट किया था, और यहाँ जो है मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया था जैसे आप लोगों ने देखा था, उसके बाद रूटीन वाला काम जब मेरे हेल्पर आई थी तो उसके साथ जो है ना मैंने रेस्तरा से सेटिंग की है और सफाई की है। जब वो चल गई तो उसके बाद जो फाइनल टच होता है ना घर का, वो मेरे हेल्पर के जाने के बाद होता है। सो जब वो चली गई थी उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग पूरी की और मशीन का राउंड था, वो जो सुबह को सवेरे में लगा देती हूँ, आज जो था ना वो जो बेडशीट थी और जो तकिया छोटी होती ना लाउंज वाली, तो उसके ऊपर मैंने वॉश किया था, उसका कवर मैंने वॉश किया था। बस वो राउंड हो गया था, उसके बाद निकाल के ड्राई किया, फिर दूसरा राउंड लगा दिया था वो तो आम कपड़ों का, वो भी निकाल के सेटिंग करी थी मैंने कपड़ों की। आज भी मेरा काम हो गया था कपड़ों का, और यहाँ जो है ये जो मेरा बास्केट है लॉन्ड्री का, इसमें जो है ना मेरी किचन्स इसके अंदर जो है ना घुस जाती है और गेम करती है, जिसकी वजह से ये जो इसकी साइड वाला जो टेप होता है ना वो खुल गया। अजर टेप पता नहीं क्या कपड़े की तरह है, वो कुछ ऐसे ही टाइट करने के लिए होता है, वो जो है ना वो खुल गया। अब जो है ना मुझे इसकी क्या कहते हैं स्टिचेस देनी है कि इसको जो है ना फिक्स हो जाए दोबारा, वरना इसकी शिकल जो है ना कुछ अजीब सी हो गई है। इन ये जो कपड़े हैं ना 2-3 दिन से जो है ना ऐसे निकले हुए, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं खुद सी लूँ या मैं जो है ना टेलर को दे दूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना मैंने शायद आप लोगों को नहीं दिखाया होगा, ये वाला जो है ना इसमें गले में इस तरह का एम्ब्रॉयडरी, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जो है ना मुझे इसको जो है ना पानी से निकालना है, फिर देखती हूँ कि पता नहीं कब मैं टेलर के पास जाऊँ। ये जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये सूट, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसका गला जो है ये एम्ब्रॉयडरी है, और बस इस तरह का है इसका डिज़ाइन। और येलो जो है ना बहुत डिफरेंट है इसकी पिक्चर से, और ये देखो ये येलो शे और ये ऑरेंज येलो इस तरह का लग रहा है ना। एनीवे, तो यहाँ जो है मुझे इसको वॉश करना है, और मैं सोच रही हूँ ये वाला जो है ना मैं ख़ुद स्टिच करूँ, आई एम थिंकिंग। और मसला ये है इसमें जो है ना कुछ ज़्यादा लेसेस है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था ना, तो इसलिए इसको जो है ना मैं स्टिच नहीं कर पाऊँगी। सो ये जो है ना मैं टेलर को दूँगी।
इन्हें उसको मैं साइड पे रखती हूँ, पता नहीं मैं अभी तक नहीं गई टेलर के पास, क्योंकि जहाँ टेलर ना वहाँ मुझे कोई काम नहीं होता, सिर्फ टेलर को जाना होता है। और गर्मियाँ है ना, दिल नहीं करता कहीं जाने का। सो उसी होप सो इससे पहले ये सिल जाए। इसको जो है ना मैं कोशिश करती हूँ मैं खुद सीऊँ, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इसको जो है ना पानी से निकालना है। सो उसी कब करूँगी। एनीवे तो यहाँ जो पहले ये काम करती हूँ, इसको जो है ना मैं स्टिच दे के और फिर जो है जाके लंच बनाऊँगी। अभी टाइम हुआ है 11 सुबह के और स्टिल कंफ्यूज है कि मैं लंच में क्या बनाऊँ। और यहाँ जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही होगी आप लोगों की मोटर की, तो मैं उसको जो है ना थोड़ी देर में बंद करूँगी। किचन का पानी एक फ्रेश है, दूसरा जो है ना वो सुबह वाला है, मैं इसको वॉश करूँगी। और मेरी हेल्पर चली गई है, और ये जो तकिया ना इसके कवर में वॉश कर दिया, बस ड्राई होंगे ना फिर दोबारा इसको जो है ना मैं पहना दूंगी। ये इस तरह के कपड़े रखे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद वो हेल्पर आएगी प्रेस वाले तो मैं उनको दे दूंगी। और इस तरह से मेरा जो घर का काम है ना वो हो गया। और घर के ये जो काम होते हैं ना, और घर के ये जो काम होते हैं ना, ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन एनर्जी ज़्यादा भी लेते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे आपने क्या किया है तो उसके नाम भी नहीं कि मैं क्या बताऊँ कि मैंने क्या किया है। एनीवे सो इस तरह की कंडीशन है सुबह की मेरी होती है। अब तो मैंने आप लोगों को बहुत कम दिखाया था, जो मैं काम करती हूँ ना वो डबल होता है इससे, तो इसलिए यू नो उस वक्त वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। एनीवे सो मेरी किचन जो है ना वो साइड रूम में सो रही है, मेरी किचन जो है वो इस रूम में सो रही है। मैं इसलिए यहाँ ये जानमाज रखा हुआ है कि वो जो है निकल सके, क्योंकि वो खुद डोर ओपन नहीं करती। सो इसलिए जो ना मैंने यहाँ जाना मात्र रखा हुआ है। सो लेट्स कंटिन्यू माय वर्क। थोड़ी सी सेटिंग रूम में रहती है, थोड़ी सी यहाँ भी रहती है, और यहाँ से सब कुछ सेट है। और उसके बाद किचन के टाइम होगा, किचन में भी थोड़ी सी सेटिंग भी करनी है, थोड़ी सी कुकिंग भी करनी है, जैसे कि ये बर्तन ड्राई हो रहे हैं इसको निकालने हैं, और बस थोड़ा सा ऐसे ही काम करना है। ओके तो यहाँ जो है मैं फ्री हो गई थी कामों से, स्टिल लंच नहीं बनाया था, लेकिन मेरा प्लान है कि वाइट राइस और फिश के साथ बनाऊंगी, तो वो जो है ना गरम ताज़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो जो है ना मैं लास्ट टाइम जब हम लंच करने वाले होंगे ना उस वक्त मैं बना लूंगी, क्योंकि वो ईजी भी बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है और वो गर्म अच्छा लगता है। सो वो काम मैं बाद में करूँगी। अभी जो है मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं जो है ना कुछ करूँ, तो मैंने सोचा था अपना पर्सनल के लिए जो है ना थोड़ा सा काम ज़रूरी है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैं थोड़ा सा फेस को स्क्रब किया था, उसके बाद जो है ना मैंने मास्क लगाया था। मास्क जो है ना ये मेरे ख्याल में लास्ट दफ़ा मैंने यूज़ किया था लास्ट ईयर, क्योंकि ये जो मास्क है ना उसको यूज़ करने के बाद जो है ना स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैंने जो है ना गर्मियों में यूज़ की थी लास्ट ईयर, अब जो है ना पूरा ब्रेक लिया हुआ था क्योंकि गर्मियाँ तो आ गई है लेकिन फिर भी हवा में ऐसी ड्राइनेस है कि स्किन फिर भी ड्राई हो रही है। सो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। अब जो है ना आके थोड़ा सा रियल गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा था मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने वो मास्क लगा दिया था, स्क्रब कर लिया फेस का, क्लिनजिंग वगैरह एवरीथिंग कर लिया था। अभी जो है ना मुझे करना था वैक्सिंग फेस की, वैक्सिंग नहीं करती मैं फुल, लेकिन अपर लिप कर लेती हूँ, उसके साथ आईब्रोज बनाने थे, बस थोड़ा तरह के छोटे मोटे काम करने थे। ओके सो इसका जो है ना मैंने सिलाई कर ली है, स्टिचिंग कर लिया है। अब होपफुली कि दोबारा जो है ना खुलेगा नहीं, क्योंकि किचन जो है इसके अंदर बैठती है। सो फिलहाल तो इसका जो है ना स्टिच हो गया, अभी जो है ना ये सही है। सो विल सी। लेट्स ईट जॉय। तो किटन्स को जो है मैंने लंच दे दिया, अभी जो है मैं अपना लंच बना रही हूँ, और आज का जो व्लॉग है मैं यही एंड कर लेती हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड आई एम सो हैप्पी कि आई एम बैक, क्योंकि कल तक जो है ना मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई वीडियोस बनाऊंगी या अपलोड करूंगी। एनीवे तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।